नमस्कार सभी को, जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग टेस्ट के लिए। ये 8 बजे का टेस्ट आपका 8:30 से हो रहा है, तो सभी को शेयर कर दीजिए। तो कुछ टेक्निकल इशू के चलते कुमार सर नहीं ले पाए, तो मैं आज टेस्ट को कंडक्ट करवाऊंगा। जी हाँ, जल्दी से जुड़ जाइएगा, तुरंत अवेलेबल हो जाएगा सब कुछ। हम लोग एक भली भांति तरीके से हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले 2 टेस्ट हो चुके थे और 2 टेस्ट का हम लोगों ने रिजल्ट भी जारी कर दिया है, और उसके बाद अभी हम लोगों ने जो 2nd टेस्ट का रिजल्ट है उसका भी हम लोग अनाउंस करेंगे अभी। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। तो ये बेसिकली जो 2nd टेस्ट का रिजल्ट था, 2nd वीकली टेस्ट, वो 23 जनवरी को हुआ था। उसमें से टोटल स्टूडेंट अपियर हुए थे 40, अपियर तो बहुत सारे हुए थे, मतलब जिन्होंने अपना वो सेंड किया था, जो रिजल्ट है उन्होंने सेंड किया था, वो 46 लोगों ने सेंड किया था। और उनमें से यहाँ पे हम लोगों ने टोटल टॉप 5 सेलेक्ट किए थे, ठीक है। उसमें से आज हम लोग टोटल 5 की जगह हम लोग टोटल 6 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो रविंद्र कुमार जी है उनका रिजल्ट यहाँ पे मिसिंग हो गया था, तो हम लोगों ने बाद में यहाँ पे इसको ऐड किया है। तो पहले नंबर पे आपका जीवन प्रकाश है जिनका 123 मार्क्स है। दूसरे नंबर पे रितेश कुमार जिनका 103 मार्क्स है। अनुराधा गोयनका तीसरे नंबर पे नहीं है, चौथे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपके रविंद्र कुमार हैं, चौथे नंबर पे अनुराधा गोयनका, चौथे के बाद 5वें नंबर पे आपका है सुष्मिता कुमारी 98, और मनीष चंद्र मिश्रा का 96 मार्क्स से वो यहाँ पे है। तो सब टॉप 5 का हम लोग यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं। तो जितने भी टेस्ट होंगे, तो जब भी हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, तो उसमें से जो भी टॉप 5 स्टूडेंट होंगे, उसमें से टॉप 3 या फिर टॉप 5 का अगर जिसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग उसको हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर द फ्री टेस्ट के लिए, राइट। तो आप लोग जल्दी से, जो जो भी नहीं जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ अभी लोग जुड़ ही रहे हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से। उसके बाद हम लोग रेगुलर तरीके से हम लोग सेशन शुरू करते हैं। और आप लोगों को क्या करना है अभी, आप लोग अपने साथ, आप लोग सबसे पहले आपको कॉपी और पेन लिखिएगा, कॉपी और पेन अपने पास रहना चाहिए। और जो भी कॉपी रहेगा आपके पास, उसमें आप अपना नाम बहुत अच्छे से लिखिएगा, नेम, और आपका जो टेस्ट का डेट है वो आप जरूर अच्छे से लिखिएगा। क्योंकि ये नेम अगर अच्छे से नहीं रहता ना, हम लोग को रिजल्ट बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए थोड़ा सा देखिए, लास्ट जो रिजल्ट है थोड़ा लेट आया था आप लोग का, तो आप लोग इसका खास ध्यान रखेंगे। आप लोग एक पेज ले लीजिएगा, उसमें से 1 से 50 तक का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके 50 तक का आप लोग पूरा का पूरा आप लोग लिस्ट लिख लीजिएगा, ताकि आपको टाइम ना लगे। आपको बस ABCD करना है, और आपको रफ के लिए एक पेपर आप यूज कीजिएगा वहां पे। मेक श्योर रहिए जो आप OMR सेट हम लोगों को सेंड करेंगे वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई कट कुट आप ना करें, राइट। तो ये हम लोग बहुत एनालाइज करके क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग को यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है, राइट। तो आप सबको रेडी हो गए होंगे मेरे ख्याल से, हम लोग शुरू करेंगे। 8:31 हुआ है, 1 मिनट का और समय लेंगे, और उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा चीज को हम लोग शुरू करेंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार बोलूंगा आपके सामने, ताकि वो कंफर्टेबली आप उसको सुन पाए, क्योंकि पढ़ने में आपको टाइम लग सकता है, इसलिए हम लोग उसको ये करेंगे। और ये देखिए, ये टेस्ट हम लोग का जो आज मॉक टेस्ट 3 है, उसका टॉपिक्स यहाँ पे बेसिकली डिसाइडेड है। मैथ्स में आपको एवरेज और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग में सीरीज और ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हम लोग पहले वाला भी ऐड किए, क्योंकि ताकि आपका रिवीजन वो चलते रहे, राइट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। झारखंड जी के आपको संथाल परगना डिवीजन, मतलब संथाल परगना डिवीजन में जितने भी 6 डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें से जो जो भी जहां भी इंसिडेंट हुए हैं, हर तरीके से क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। साइंस में आपको फिजिक्स में हीट और वेव का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंडियन GK में भारत का सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन, ये आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर में आपको बेसिक्स क्वेश्चन ऑलरेडी जो हम लोग चला रहे थे वो आएगा, और करंट अफेयर आपका जनवरी से जून तक का आपका करंट अफेयर्स का यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, राइट।
तो इतने सारे टॉपिक्स आपको कवर होंगे और इस तरह करके हम लोग बता रहे हैं पूरा का पूरा तैयारी आप लोग का जबरदस्त करवा देंगे हम लोग, ठीक है। तो और ये पूरा का लाइव टेस्ट फ्री होता है, क्वेश्चंस भी हम लोग बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर करते हैं और सब कुछ आपको बहुत अच्छे ढंग से, यहाँ पे आपको प्रेशर फील होगा, आप वही सेम प्रेशर फील कर पाएंगे जो आप एग्जाम में प्रेशर फील करते हैं। तो आपको बैठने का आदत होगा आपको, और वही जो प्रेशर है वही आपको हैंडल करना है और वही झारखंड गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड टॉपिक है और आपको रिजल्ट के लिए हमारे टेलीग्राम में सर ऑलरेडी लिंक दे दिए हैं, मैं जब एग्जाम खत्म होगा तो मैं भी उस समय दिखाऊंगा। तो अभी टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ, अभी टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो नया ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। तो अभी टेस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका भी रिजल्ट रहेगा हम लोग नीचे टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, वहां पे आपको अपना ओएमआर सीट का फोटो उठा करके आपको भेजने हैं और टाइम मात्र 5 मिनट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि क्योंकि देखिए अगर आप ईमानदारी से दे रहे हैं तो आपका ही फायदा यहाँ पे हो, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई ईमानदारी से नहीं दे रहे हैं तो एक्चुअली क्या है वो खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपको टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बस आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हमारा मोटिव आपका है कि आपका पूरा का पूरा चीज यहाँ पे कवर हो जाए, ठीक है। और अगर अभी आप लोगों ने तैयारी शुरू नहीं किया तो हमारे कोर्सेज लेकर आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, आपको 500 का डिस्काउंट अभी तक भी आपको मिल जाएगा हर एक चीजों में। तो आई थिंक लेट स्टार्ट द टेस्ट नाउ, हम लोग अब टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट का स्कीम में देखिए आपको क्वेश्चन जिस ऑर्डर में आपको देखे जा रहे हैं, यहाँ पे झारखंड जी के पहले मिलेगा, 12 क्वेश्चन झारखंड जी के कंटिन्यूअस मिलेंगे आपको। जब झारखंड जी के खत्म हो जाएगा तो 10 क्वेश्चन आपको जनरल स्टडीज मतलब इंडियन जी के देखने को मिलेंगे, फिर जब 10 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, फिर मैथ्स के 6 क्वेश्चन, रीजनिंग के 6 क्वेश्चन, करंट अफेयर का 5 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन। तो टोटल काउंट आप देखिएगा, टोटल काउंट आपका 50 हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ मिनी मॉक टेस्ट ले रहे हैं। जब भी हम लोग का मिनी मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा तो हम लोग इसको फुल मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, जिसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करेक्ट। तो यही आपको तरीका रखना है और इसी तरह से आपको अपना नोटबुक में जो भी आप बना रहे हैं आप बना लीजिए, 1 मिनट का आपके पास समय है, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं ये जो मेरा डिसेबल, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, मेरा टेलीग्राम को नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे, मैं इसको डिसेबल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर ढंग से हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे, राइट। तो आई थिंक आप लोग सबको रेडी होंगे अपने एग्जामिनेशन पेपर में अपना नाम लिख करके और एग्जामिनेशन का डेट लिख करके आप लोग रेडी होंगे वीकली मॉक टेस्ट 3, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, 8:35 हो गया है, क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे टाइम अलॉट करूंगा, क्लियर। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि गोड्डा जिले को संथाल परगना से कब अलग किया गया, मतलब गोड्डा जो जिला संथाल परगना से कब अलग हुआ, आप लोग ऑप्शन देखिए और अपना वहां पे टिक कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक आप लोगों ने सभी को टिक कर लिए होंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये जीके क्वेश्चन आपको हार्डली इसमें 15-20 सेकंड्स लगेंगे, क्लियर है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, मैंने ऑप्शन कन्फ्यूजन वाले दे रखे हैं ताकि आपको प्रेशर फील हो कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर ट्रिकी भी मिले तो हम लोग उसको अच्छे से कर दे, राइट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कम्प्लीट होता है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो बरहेट घाटी है झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है, वो बरहेट। बरहेट वैली लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, आप लोग सभी को ए बी सी डी लिख सकते हैं वहां पे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बसंत राय झारखंड के किस जिले में स्थित है, पलामू, पाकुड़, गोड्डा, लातेहार।
आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। योगिनी शक्तिपीठ झारखंड के किस जिले में स्थित है? योगिनी शक्तिपीठ इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? पलामू, पाकुड़, गोड्डा या लातेहार? मेक श्योर रहिए कि जो भी आप ऑप्शंस लिख रहे हैं वहां पे आप कट करके दोबारा ना करें, आप एक ही बार में ध्यान से देखें। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, यहाँ पे जनरल स्टडीज के क्वेश्चन में 15 से 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाकुड़ जिला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट है संथाल परगना का, वो किस लिए फेमस है? पत्थर और बीड़ी फैक्ट्री, स्टोन एंड बीड़ी, हैंडीक्राफ्ट एंड ट्राइबल डांस मतलब हस्तशिल्प और आदिवासी नृत्य, स्टील फैक्ट्री एंड लेदर वर्क मतलब इस्पात कारखाना और चमड़े का काम, ग्लास वर्क एंड हैंडीक्राफ्ट मतलब ग्लास का काम और हस्तशिल्प, किसके लिए फेमस है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं और सभी हम लोगों ने टीचर्स जो हैं सभी बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट किए हैं ताकि आपको एक फील आए और क्वेश्चंस भी आपको देखिए एग्जामिनेशन में ऐसे ही मिलेंगे देखने को। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हूल दिवस कब मनाया जाता है? When the Hool Diwas is celebrated? 21st जून, 25th जून, 28th जून या 30th जून? आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ? कब हुआ मतलब ये कब शुरुआत हुआ इसके बारे में पूछा जा रहा है, कब शुरू हुआ ये? When संथाल विद्रोह हेल्ड ऑन मतलब कब शुरू हुआ? 1805 ईस्वी में शुरू हुआ, 1855 में, 1857 में या 1856 में? बहुत अच्छे ढंग से एग्जामिनेशन दीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऐसा ही देखने को मिलेंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? जो ऑप्शन है उसमें से आपको चुनना है, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा या हो जनजाति, कौन थे इसके नेता? मान के चलिए कि जो भी आप लोग टेस्ट दे रहे हैं वही आपके कंप्यूटर वहां पे होंगे। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे ढंग से टेस्ट दीजिए। आप ट्राई कीजिए कि यहाँ पे अगर आपका स्कोर अच्छा हो रहा है तो मार्क के चलिए कि एग्जामिनेशन में भी आपका अच्छा स्कोर अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द विलेज ऑफ टेम्पल्स? जामताड़ा कहा जाता है, मलूटी कहा जाता है, देवघर को या जमशेदपुर को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध हिजला मेला कहाँ पर लगता है?
फेमस हिजला मेला ऑर्गेनाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, कौन से जिले में लगता है? खूंटी में लगता है, देवघर में लगता है, दुमका में लगता है या जमशेदपुर में लगता है? यही जो आप संघर्ष कर रहे हैं वही एक दिन रिजल्ट आएगा, तो आप संघर्ष करते रहिए। यही प्रेशर फील करना है आपको, एग्जामिनेशन जैसा फील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मयूराक्षी नदी पर बने मसानसोर बांध अन्य किस नाम से जाना जाता है? मतलब मसानसोर डैम बिल्ट ऑन द रिवर मयूराक्षी इज ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो टर्म्ड एज विच डैम? कनाडा डैम, अमेरिका डैम, ऑस्ट्रेलिया डैम या इंग्लैंड डैम? इसके बाद झारखंड जीके का लास्ट क्वेश्चन आएगा। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ततलोई गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है? जो हॉट स्प्रिंग है ततलोई वो कहां पर है? खूंटी में है, देवघर में है, जमशेदपुर में है या दुमका में है? आपका यहाँ झारखंड जीके का क्वेश्चन खत्म होता है। अब अगले जो टॉप नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 13 से, आपके वो नेक्स्ट टॉपिक से होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कितने स्टेट से गुजरती है पूरे इंडिया में? 6 स्टेट, 8 स्टेट, 7 स्टेट या 9 स्टेट? जो जो लेट जुड़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जहां से जुड़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन बनाते जाइए, उतना ही सेंड कीजिए, नो इश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि भारतीय मानक के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? वो 9:38 सुबह होगा, 10:38 एएम होगा सुबह, 10:22 एएम होगा या 9:22 एएम होगा? क्या होगा समय इसका? अभी इंडियन जीएस का क्वेश्चंस आपके चल रहा है। पर्याप्त टाइम दे रहा हूं, कोई इश्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सुदूर पश्चिमी कौन सा बिंदु है? मतलब जो फार वेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया वो क्या है? 68° 7' ईस्ट इन गुजरात, 68° 7' ईस्ट इन राजस्थान, 68° 60' वेस्ट
इन गुजरात और 68.7 डिग्री वेस्ट इन राजस्थान, कहां पर है वो? अड़सठ दशमलव सात डिग्री ईस्ट या 68.7 डिग्री ईस्ट राजस्थान गुजरात या वेस्ट इन राजस्थान गुजरात, यही ऑप्शन है। आप ईमानदारी से बनाते जाएं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटानीज राष्ट्र के साथ नहीं लगती हैं? या भूटानी होगा या भूटान आप बोल सकते हैं, भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती हैं। किसकी सीमाएं भूटान के साथ नहीं लगती हैं? सिक्किम की, मेघालय की, अरुणाचल प्रदेश की या पश्चिम बंगाल की? किसकी नहीं लगती हैं? आप इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। डज नॉट शेयर द बाउंड्री विद भूटानीज नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? मतलब बांग्लादेश जो है उसका सीमा कौन कौन से जो हमारे भारत के राज्य है उसके साथ लगे हुए हैं? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय एक ऑप्शन है। दूसरा है नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तीसरा है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। और लास्ट ऑप्शन है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। कौन सा ऑप्शन है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है? ये जनरल जीके क्वेश्चन है, ये आपको आने ही चाहिए सारे क्वेश्चंस। आराम से बनाइए, मैं पर्याप्त समय दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? स्थलीय सीमा मतलब क्या होता है आपका, कि टेरेस्ट्रियल बाउंड्री मतलब जलीय, दो तरह की सीमा होती है, स्थलीय और जलीय। तो यहां पर आपको पूछा जा रहा है स्थलीय सीमा, ठीक है, किसके साथ लंबी है? चीन के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? मतलब बाय होम डज द इंडिया सेपरेट फ्रॉम श्रीलंका? किसके द्वारा, मतलब दोनों के बीच में क्या है, सेज कनाल है या पाक स्ट्रेट है या गल्फ ऑफ खंबात है जिसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं या कच्छ की खाड़ी है? किससे भारत और श्रीलंका अलग होता है, यही पूछा जा रहा है। आपने आंसर दे दिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के निम्नांकित राज्यों में से
किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री कौन से स्टेट के तीनों तरफ है? असम के तीनों तरफ है, नागालैंड के, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल? ये सारे जीके के क्वेश्चंस हैं, मतलब इसमें अगर आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते। और मेक श्योर रहिए कि नेगेटिव मार्किंग का आप आदत अभी से ना लगाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग करने का आदत आपका यही रहेगा तो एग्जाम में भी आपको लगेगा नहीं ये हम मार देते हैं, चलो हो जाएगा, पता चलेगा आपका -1 मार्क्स कट गया है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो आपको एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे हम लोग एग्जामिनेशन ले रहे हैं जो जेएसएससी सीजीएल में आ रहे हैं। तो अगर आप अभी यहाँ पे क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं, इसका मतलब आप एग्जामिनेशन में भी बना पाएंगे। तो आपको वही प्रेशर और सारे कुछ वही चीज आपको फील यहाँ पे होंगे, तो आप ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। चलिए, होपफुली आपने इसका आंसर दे दिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटता है या विभाजित करता है? ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, 30 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। आपको क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा समय ना लगे इसलिए मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको सारे का प्रेशर फील होगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंडियन जीके, झारखंड जीके, कंप्यूटर साइंस, सब का, जो पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं हो रहा अभी, वो हम लोग अभी करवा रहे हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से आप लोग टेस्ट दीजिए, आप लोग का एग्जामिनेशन का तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हम लोग करवाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं हम लोग। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? मतलब कौन सा स्टेट है इंडिया का जो अपना बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चीन के साथ? कौन है? असम है, सिक्किम है, त्रिपुरा है या पश्चिम बंगाल है? आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीवीडी, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, आपका इंडियन जीएस और झारखंड जीएस क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रखा है, डिजिटल वीडियो डेवलपर, डिजिटल वीडियो डिवाइस, डिजिटल वीडियो डिस्क या इनमें से कोई नहीं? आप लोग सभी ने डीवीडी जरूर देखा होगा। होपफुली आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इंपैक्ट प्रिंटर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर? लेजर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर या बबल जेट प्रिंटर? आगे बढ़ते हैं, होपफुली आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने। निम्नलिखित समूहों में से विषम पद की पहचान कीजिए, मतलब ये जो आपको ऑप्शन दे रहा है उसमें से आपको ऑड वन आउट काउंट करना है, कौन है ऑड वन आउट?
माइक्रोवेव, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर या ट्विस्टेड पेयर तैयार हुआ है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रोग्राम इन अ मतलब प्रोग्राम में बग का क्या मतलब है? प्रोग्राम में बग है एक कथन, एक त्रुटि, एक वाक्य विन्यास या बी और सी दोनों। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का उपयोग करके डेटा स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज कंप्यूटर टू ट्रांसफर डेटा यूजिंग अ टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन के तहत डेटा कौन ट्रांसफर करता है, बेसिकली ये क्वेश्चन। कीबोर्ड, सीपीयू, मॉडेम या प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके आगे मैथ्स के क्वेश्चंस। आपके कंप्यूटर खत्म हो गए, इंडियन जीके और झारखंड जीके खत्म हो गए, अभी मैथ्स के क्वेश्चन आपको देखें। इसमें आपको ज्यादा समय मिलेगा तो इसको आराम से आप बनाएं। प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं होगा, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें। आपके ऑप्शन है 35.5, 36, 37.5 और 38.5। आराम से बनाइए, पर्याप्त समय दिया जाएगा। पर्याप्त समय मिल चुका है, हम लोग क्वेश्चंस आगे नेक्स्ट करते हैं। आठ क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है, तो उसमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव सक्सेसिव नंबर इज 6.5। द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग देम विल बी 4, 6.5, 7.5 या 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर आप यहां तक आए हैं तो क्वेश्चन को छोड़कर मत जाइए। जो भी आपको लग रहा है नहीं मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा, मैं टेस्ट नहीं दूंगा या फिर आधा ही दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप तो छोड़ के नहीं जा सकते ना, यहाँ तो आप भले छोड़ के जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को बनाइए, सर ने ऑलरेडी ट्रिक बता चुका आपको। पति, सॉरी ये तो एवरेज का ही क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा। पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी, ठीक है। पति एवं पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना आपको। मैथ से बहुत कोई पीछे हट रहे हैं, लेकिन मैथ से आपको पीछे नहीं हटना है, यही प्रेशर आपको फील करना है। आप लड़िएगा नहीं तो आगे कैसे जाइएगा, आपको लड़ना पड़ेगा। लड़के ही जो आगे आएंगे वही सफलता प्राप्त करेंगे। आंसर आपका है 1 साल, 2 साल, 3 साल और 2.5 साल। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए हम लोग को। नेक्स्ट एक एक्सप्रेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन आपको साफ दिख रहा होगा, आप देखिए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको। बीच में कभी आपका अगर बफर होता है तो चिंता नहीं करना है, आपका वो कनेक्शन कटेगा नहीं, आपका वो आ जाएगा, नो इश्यू। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वन बाय 20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, 1/110, 1/131, 132, ये किसके बराबर है ये आपको बताना है। जल्दी से बनाइए, पर्याप्त समय मैं दूंगा, नो इशू। जो भी नहीं पढ़े हैं या नहीं करे हैं, ये जरूरी नहीं कि आपने पढ़ेंगे तभी आप आंसर दीजिएगा,
कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आप बिना पढ़े भी आइएगा तो भी आप आंसर कर सकते हैं। तो आपको भागना नहीं है, आपको लड़ना है। जल्दी से सॉल्व करिए इसको। आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, 1 + 1/1 + फिर 1/1 + फिर 1/1 + 1/2। अगर ये है x बराबर, तो वैल्यू बताना आपको 2x + 7/4 का, मतलब x बराबर। अगर ये आपका एक्सप्रेशन है जो ब्लू वाला है, तो फिर आपको आंसर बताना है 2x / 7/4 ये किसके बराबर है। 3, 4, 5, 6 आराम से सॉल्व कीजिए, मैं पर्याप्त समय दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्याप्त समय क्वेश्चन समय दे दिया। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, 0, 4, 18, 48, ये बीच का क्या होगा, बाद में 180 है। आई थिंक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है,
आठ चौबीस बारह आपको बताना है क्वेश्चन मार्क का आंसर, फिर 18 54। आप जल्दी से बनाइए। आई थिंक आप लोगों ने बना लिया होगा। आगे बढ़ते हैं तो एक और सीरीज का क्वेश्चन है, 26 37 50 65 क्वेश्चन मार्क और 101। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं पर्याप्त समय दे रहा हूं। अभी आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सीमा रमेश की बहू है, मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का इकलौता भाई है, सीमा और मोहन के बीच में क्या संबंध है? इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर पता चलेगा। बनाइए फ्लो चार्ट डायग्राम बनाना आपको। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे वैसे लोग भाग रहे हैं, बस जीके जीएस के बदौलत तो नहीं अभी एग्जाम पास कर सकते हैं, राइट? आपको लड़ना पड़ेगा अंत समय तक। अगर आप नहीं भी पढ़े तो आप ट्राई कीजिए, एटलीस्ट कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ए की माँ बी की बहन है और उसकी एक पुत्री सी है, निम्नलिखित में से ए बी पर से किस प्रकार संबंधित हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर तो आप लोगों ने दे दिया होगा, इजी है। 39 नंबर क्वेश्चन।
ए और बी बहने हैं, ए डी की माता है, बी सी की पुत्री है, बी की पुत्री सी है सॉरी, जो एफ से विवाहित है, जी ए का पति है, सी डी से किस प्रकार संबंधित है। मैं वैसे काफी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप हैबिचुएटेड हो जाएं, इतना टाइम ऐसा नहीं देना चाहिए लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूँ, तो नो इशू। अभी आपको प्रैक्टिस ही करना है, आपको सिलेक्शन यहाँ से तो नहीं होगा, हम लोग यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं आपको। आप यहाँ से तैयार होकर जाइएगा तभी सिलेक्शन आपका होगा। आप ट्राई कीजिएगा, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं या यहाँ पे दे रहे हैं, आप ट्राई कीजिए हमेशा टॉप 3, टॉप 5, टॉप 5, टॉप 10 के अंदर आने की ट्राई कीजिए एवरी टाइम, और उसके लिए आपको कड़ा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चालीसवां क्वेश्चन, चौथा झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, द फोर्थ झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, रांची में, बोकारो में, जमशेदपुर में या दुमका में। अच्छे क्वेश्चन है ये सब, पूछे जाते हैं एग्जाम में से। जल्दी से आंसर करेंगे, ये सब में तो समय लगेगा नहीं, जो टाइम लगता है मैथ्स और रीजनिंग में लगता है, ये आपको पता है तो बनेगा, नहीं पता तो नहीं बनेगा, दैट्स इट। ट्राई नॉट टू गिव नेगेटिव आंसर्स, नहीं आता है नो इशू, नेगेटिव नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, करंट स्पीकर ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, रविंद्रनाथ महतो, दिनेश उराव, हफीजुल हसन या अनंत कुमार ओझा। इजी क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तर्ज पर शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू की है, वह योजना का नाम बताना आपको, कौन सा योजना है, स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, रोजगार गारंटी योजना या मुख्यमंत्री रोजगार योजना। आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डिक्शनरी ऐप में झारखंड के किस भाषा या भाषाओं को शामिल किया गया, असुर, बिरजिया, बिरहोर या इनमें से सभी। आपने आंसर कर दिया होगा, इजी क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत झारखंड के सभी बेटियों को जन्म से 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर कुल कितनी राशि देने का प्रावधान है, 25,000, 30,000, 35,000 या 40,000।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बस लास्ट पांच क्वेश्चंस नहीं, लास्ट छह क्वेश्चन बच गए हैं इसको लेकर के, जो साइंस के क्वेश्चन आपको छह मिलेंगे अभी यहां से। निम्नलिखित में से किस धातु का अधिकतम तापकीय चालकता है, मतलब कौन सा ऐसा मेटल है जो मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी उसका है? लोहा का है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है या चांदी का है? आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक शरीर गर्मी की अधिकतम मात्रा को तब अवशोषित करता है जब वह होता है, मतलब एक अ बॉडी ऑब्जॉर्ब्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कब, ये जो शरीर अधिकतम मात्रा को कब अवशोषित करता है? ब्लैक एंड रफ में, काला और चिकना में, व्हाइट एंड रफ में, व्हाइट एंड स्मूथ में। अच्छा क्वेश्चन है ये। अंतिम चार क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके कारण अधिक जलन होती है, विच काउजेस मोर बर्न? उबलता हुआ पानी, हॉट वाटर या स्टीम मतलब भाप, या कोई भी नहीं? आसान सा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता है, मतलब कौन सा ऐसा वेव है विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम? वैक्यूम के थ्रू मतलब संचार के माध्यम से वो नहीं जा सकता। कौन नहीं जा सकता? लाइट, ध्वनि, हीट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कौन सा नहीं जा सकता? इजी क्वेश्चन है। अंतिम दो क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ध्रुवीकृत तरंग नहीं हो सकती है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड? कौन सा ध्रुवीकृत नहीं हो सकता है? रेडियो, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड या अल्ट्रासोनिक वेव्स, कौन सा वेव्स? बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन हम लोगों ने तैयार किया है, इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल को मिला करके। तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और यही एग्जामिनेशन का पैटर्न भी होता है इसी तरह से ना। तो आपको सब कुछ इजी मिलेंगे, अगर कोई सब्जेक्ट इजी मिल गया तो उसका भरपाई कोई और सब्जेक्ट में कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी हीट ऑब्जेक्ट एमिट्स, हर एक जो गर्म वस्तु होती है उत्सर्जित करती है क्या चीज? एक्सरे, दृश्यमान प्रकाश मतलब विजिबल लाइट, इंफ्रारेड मतलब अवरक्त किरणें, या पराबैंगनी किरणें मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस। अभी समय हो रहा है 9:29 का, मैं 9:30 मान लेता हूं। आप सभी को जो OMR है वो 9:35 तक, 9:35 तक आपको जो टेलीग्राम में लिंक दिया गया है उसमें आपको सेंड कर देना है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ टेलीग्राम का लिंक, आई होप आप लोगों सभी को कर ही दिया होगा इसको। ठीक है, और ये क्लास आज स्थगित है, तो इसकी क्लास की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। और जो भी हमारे क्लासेस करना चाहते हैं उनके लिए लास्ट ऑफर है 500 का। आप हमारे पेपर 3 को 500 के लिए इंडिया 500, कोटा के लिए जोहार 500,
नागपुरी के लिए नागपुरी 500, उपेन 500 और कुमार 100, और बाकी सब कोर्स के लिए JSL CGL कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। अब बताते हैं कि आपको आंसर शीट कहाँ से देना है। ये जो हमारा टेलीग्राम है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम जो हमारा है उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ वहाँ पे है। ठीक है, आप टेलीग्राम यहाँ पर ओपन कीजिएगा। तो ये देखिए सर ने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया हुआ है। ठीक है, ये जो ग्रुप है इस पर, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम में पहले जुड़ जाइएगा, उसके बाद आप सेंड कीजिएगा। ठीक है, तो आपको करेक्ट वे में आपको भेजना है ये जो लिंक है यहाँ पर। तो आपके पास 5 मिनट का भरपूर समय है, आप बिना कोई छेड़छाड़ किए एकदम अच्छे तरीके से उसको फ्रेश जो आपने अभी किया है एकदम उसी को आपको फोटो क्लिक करके भेजना है, और हम लोग यहाँ पे रिजल्ट उसका प्रकाशित करेंगे जितना जल्द हो सके उतना जल्दी। ठीक है, तो जो टेलीग्राम में हमारा आंसर किया होगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा अभी टेस्ट के बाद। ठीक है, जैसे ही 9:35 होगा उसके बाद आपको सभी को मिल जाएगा। ठीक है, और आपको नेक्स्ट टॉपिक भी आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। थैंक यू ऑल।